जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम के नेतृत्व में आज जिले भर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको लेकर लॉकडाउन के सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए। न शहर से बाहर जाओगे और न ही किसी रिश्तेदार या अन्य को शहर के अंदर बुलाओगे। आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा और अगर आप आवारा घूमते हुए पाए गए तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और आपके वही। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में निकाली गई रैलियों में बिल्कुल पुलिसकर्मी अपनी जीपों के साथ में चलते नजर आए और कानून की सख्ती से पालना के कड़ाई से निर्देश दिए गए। फालना में आज एक स्कूल संचालक द्वारा हिंदू सेवा मंडल के पदाधिकारियों को, जी हाँ, जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है उसको लेकर हिंदू सेवा मंडल के पदाधिकारियों को जो अंत्येष्टि की जा रही थी, जो बॉडी मिल रही थी, क्योंकि फालना जो क्षेत्र है वहाँ पर रेलवे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मामले आते थे, तो काफ़ी ऐसे शवों की शिनाख्त नहीं हो पाती थी, तो हिंदू सेवा मंडल के पदाधिकारियों को कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए 9 PPE किट प्रदान किए गए। ये फालना में एक स्कूल संचालक का आभार व्यक्त किया गया। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा पहुंचे, जिला कारागार निरीक्षण किया। जी हाँ, जिस प्रकार से 51 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव सिरोही सभा कारागार में, उसको लेकर सिरोही विधायक SP हिम्मत अभिलाष टोंक के साथ में जिला कारागार पहुंचे, जहां पर जेल अधीक्षक विश्लेषण शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। अभी तो डॉक्टर आपके यहाँ बहुत कर दिए ना, कोई डॉक्टर हो जा रहे हैं, घंटा बहुत है, आपके लिए तो ये भी पेशेंट है, बिल्कुल आपको नहीं जाना है कि ये कैदी है या क्या है, नहीं वो हम तो मानते हैं। कैदियों के परिजनों ने विधायक संयम लोढ़ा के समक्ष अपनी गुहार लगाई थी, जिसको लेकर संयम लोढ़ा पहुंचे और CMHO को तलब किया, जहां CMHO बाहर कहीं रेवदर बताया गया। जी हाँ, किस प्रकार से लगी ये न्यूज़, आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।